जो लोग नहीं जानते, उस वक्त मिसेज इंदिरा गांधी जो जवाहरलाल नेहरू की बेटी, जवाहरलाल नेहरू न सिर्फ एक हमारे आइकॉन हैं बल्कि मॉडर्न इंडिया के आर्किटेक्ट भी हैं, और उन्होंने बहुत इंस्टीट्यूशन देश को दी। क्योंकि मैं याद आया कि भाई जब कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली मिल रही थी तो उस वक्त ये था कि भाई प्रेसिडेंशियल फॉर्म गवर्नमेंट हो कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, तो ये नेहरू का कहना था जवाहरलाल के भाई नहीं, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि ये जो है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसमें कहीं डिक्टेटर ना आ जाए और मैं डिक्टेटर नहीं चाहता। तो तभी आप देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट्स का तो है कि भाई गवर्नर टेक ओवर कर सकता है अगर लॉ एंड ऑर्डर मतलब ना कायम, लेकिन सेंटर में किसी को इजाजत नहीं, सेंटर में गवर्नमेंट हैज़ टू बी देयर, चाहे वो केयर टेकर गवर्नमेंट हो उसके बाद दूसरी गवर्नमेंट हो, लेकिन किसी को मतलब खुद गवर्नर जनरल या उस वक्त वाइस रॉय कोई नहीं ले सकता था। जो मैं बात कहना चाहता हूँ दिनों की, ये कि बात तो शुरू हुई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट से। मिसेस गांधी को एक उन्होंने कुछ पोल मतलब जो वोट थे उन्होंने उनको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस दोषी पाया कि उन्होंने उनके साथ हुआ करता था यशपाल कपूर, तो उन्होंने मिलके ये कुछ गवर्नमेंट मशीनरी इस्तेमाल किया है जो गलत है। तो उस बात पे इलाहाबाद हाई कोर्ट में उस जज मशहूर था, नाम मैं ज़रा भूल रहा हूँ, तो उसने जजमेंट दी कि भाई ये तो इतनी बड़ी सीरियस चीज़ है, तो इसलिए ये मिसेस गांधी को 6 साल के लिए इलेक्टेड मतलब इलेक्शन में भी लड़ सकती, और उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि भाई इन्होंने बहुत गलत किया है तो इनको अनसीट किया जाए। लेकिन क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर थी तो उसने कहा कि अच्छा तो इंतज़ाम करने के लिए गवर्नमेंट को कुछ चाहिए होगा, तो कृष्णा आयर जस्टिस थे, उन्होंने कहा मैं 15 दिन देता हूँ ताकि इसमें पार्टी इंतज़ाम कर ले। लेकिन उसको 15 दिन में मिसेस गांधी ने इंस्टेड ऑफ के उनको जजमेंट को इम्प्लीमेंट करती, उसने यही चीज़ ख़त्म कर दी कि भाई ये जो इन लोगों को ताकत नहीं है वगैरह, तो फिर उसने एमरजेंसी ले आए। तो एमरजेंसी उस वक्त फॉरेन एमरजेंसी लगी हुई थी क्योंकि बांग्लादेश से वार हो चुकी थी, तो सब ने पूछा कि एक तो एमरजेंसी लगी हुई है तो दूसरा तो सरदार शंकर रे, तो उसने उनको सलाह दी कि नहीं इंटरनल लगा सकते हो और इंटरनल में तो आपको इजाज़त है जिसको मर्जी पकड़ लो और कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंड कर लो, तो उसने कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंड कर दिया और डायरेक्ट राज करने लगी कि पकड़ लिए। आपको पता है कि उस वक्त 1 लाख आदमी डिटेन हुए थे विदाउट ट्रायल, 1 लाख आदमी, आदमी सोचता नहीं कि भाई ये इतने भी उस वक्त। दूसरा प्रेस सेंसरशिप कि भाई आप कुछ लिख नहीं सकते, अगर लिखना चाहते हो तो सेंसर से दिखाओ कि क्या है। तो मैं एक्सप्रेस में काम करता था तो हमने एक दिन तो उसको रन किया था बिल्कुल ब्लैंक एडिटोरियल को ताकि एक प्रोटेस्ट की तरह पर बखैर। उसके बाद अब क्योंकि उनके पास अभी तैयार नहीं था सेंसरशिप का, तो उन्होंने ये बहादुर शाह जफर मार्ग में जहाँ पे सब ज़्यादा दफ्तर हैं उसमें से उन्होंने बिजली काट दी, और बिजली नहीं आए तो मैं रात को एक्सप्रेस से मुझे फ़ोन आया कि जी बिजली नहीं है। मैंने कहा प्रेस कैसे चलाएं, तो मैंने कहा बिजली क्यों नहीं। लेकिन अब मिसेस गांधी का रिमार्क था जब एमरजेंसी लग गई तो दूसरे दिन उसने एक रिमार्क दिया, नॉट ए डॉग हैज़ बार्क्ड। तो अब ये मेरे पास कुछ एडिटर आए कहने लगे जी हम गए थे तो उन्होंने ये कहा, और ये भी कहा अरे ये बड़ी बड़ी तनख्वाहें डालने पाने वाले जिनके बड़े बड़े नाम हैं बड़ी बड़ी हेडलाइन लिखते हैं वो क्या हुआ झक की तरह बैठ गए हैं। तो ये मुझे बहुत जैसे पर्सनल
तो मैं गया दफ्तरों में, ये बहादुर जहाज वर्मा और दूसरे भी स्टेट्समैन वगैरह में, UNI PTI वगैरह. तो मैंने कहा भाई कल 10 बजे सुबह हम प्रेस क्लब में मिलेंगे. तो मेरी हैरानगी रह गई कि वहाँ पे 103 जर्नलिस्ट मौजूद थे, क्योंकि मैं तो खैर एनीवे मैंने रेजोल्यूशन पास किया. अब अपना बताया कि रेजोल्यूशन के भाई वी कंडेम द एमरजेंसी एंड वी वांट द गवर्नमेंट टू लिफ्ट द सेंसरशिप. तो किसी ने कहा जी कुछ जर्नलिस्ट कैद भी हो गए हैं. तो मैंने कहा इसी में कर देते हैं कि सम जर्नलिस्ट हैव बीन अरेस्टेड, दे शुड बी रिलीज्ड फॉरथविथ. अब मैंने वो जो था मैंने कहा मैं भेज रहा हूँ लेकिन यहाँ पे टेबल पे छोड़ रहा हूँ, जिसकी मर्जी हो दख्त कर दो. तो मुझे 103 इसलिए याद हैं कि 103 ने दख्त किए हुए थे. तो मैं घर पहुँचा तो VC शुक्ला जो अब एक सूचना मंत्री बन चुका था, पहले डिफेंस प्रोडक्शन में था, तो हमारा दोस्त था, मतलब मिलते जुलते रहते थे. तो उसने मुझे फ़ोन किया, कुलदीप वो लव लेटर कहाँ है? मैंने कहा कौन सा लव लेटर? तो कहने लगा वही जहाँ पे लोगों ने दख्त किए हैं, ये कौन है हम मैं पता तो लूँ. मैंने कहा देखो भाई ये आप मुझसे तो नहीं ना तुम ले सकते, ये तो अब पता नहीं कहाँ गायब हो गया. कहते देखो कुलदीप तुम मेरे दोस्त हो और अगर तुम ये नहीं करोगे तो तुम्हें पता है कि तुम्हें कैद भी कर सकते हैं. मैंने कहा भाई कर लो कैद, इसमें क्या कैद करना, तो कैद कर लो. खैर बाद में उन्होंने कैद भी कर लिया. लेकिन जो मैं एक बात जो आपको बताना चाहता हूँ कि इतना डर फैल गया, जो जर्नलिस्ट थे जिनको उठ के कोई बात करनी चाहिए थी वो बिल्कुल झक की तरह बैठ गए, कोई बात ही नहीं करता, ऐसी है फियर. बल्कि जब मैं ये एक प्रेस क्लब में हुआ था, जब मैं आया वापस जेल से तो मैंने कोशिश की, हैबियस कॉर्पस में मेरी बीवी ने दिया हुआ था पटिशन, तो उन्होंने जज ने उन्होंने कहा भाई ये क्यों इसको क्यों पकड़ा. जजों ने कहा कि भाई ये तो एक जर्नलिस्ट है, लिखता है, किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है. जो एक तो जर्नलिस्ट बिल्कुल बैठ गया एंड आई वॉज़ वेरी शॉक्ड कि ये भी जर्नलिस्ट कौन, क्योंकि हम लोग जो हैं हमारा काम कोई हम पॉलिटिकल लोग नहीं हैं, लेकिन हम पॉलिटिक्स को रिपोर्ट करते हैं और बेबाक्सी से करते हैं, ताकि ये हम ही तो एक कम्युनिकेशन है बिटवीन द रीडर एंड द हैपनिंग, जो भी हैपनर करता परपेट्रेटर. लेकिन वो बिल्कुल बैठ गए, कोई बोलता नहीं था, क्योंकि यही कि भाई नौकरी चली जाएगी. हाँ ये भी सही था कि भाई एक इकोनॉमिक डर हो सकता है, लेकिन फिर भी कुछ तो लोग आते हैं. लेकिन मैं प्रेस काउंसिल जो एक बहुत बड़ा एपिक्स बॉडी है उसका मैं मेंबर था. तो एपिक्स बॉडी का जो चेयरमैन था जस्टिस आयर था कोई, अब मैं उसके पास गया तो मैंने कहा देखिए जी साहब इसमें हम एपिक्स बॉडी की जो मीटिंग तो बुलाएं ताकि उसमें रेस को रखें. कहने लगा कुलदीप क्या फ़ायदा अखबारों में तो छपेगा नहीं. मैं क्या ना सही, कभी आर्काइव्स खुलेंगे वो कहेंगे भाई ये एपिक्स बॉडी का क्या एटीट्यूड था ये तो बोलो. तो लेकिन जब वाइट पेपर इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में एमरजेंसी के बाद निकला तो उसमें लिखा हुआ जस्टिस आयर ने एक VC शुक्ला को चिट्ठी लिखी थी, उसमें लिखा हुआ था कि मैंने विद ग्रेट डिफिकल्टी आई हैव बिन एबल टू स्टॉल व्हाट कुलदीप नय्यर वॉज ट्राइंग टू डू. तो खैर जो कहने का मेरा मतलब है कि इतनी ज़्यादा डर और खौफ था और लोगों में. दूसरा जो था कि एमरजेंसी के वक्त उन्होंने वो जो डिफेंड करते थे वो कहते थे देखा ट्रेनें जो हैं अब ट्रेन वक्त पे चलती हैं, ये सही है. तो मैंने कहा वो मसलूनी के वक्त भी ट्रेनें इसी तरह वक्त थी, तो इसीलिए आपको इतनी एमरजेंसी लगाने की ज़रूरत है, अपने रेलवे का कुछ नहीं कर सकते. खैर लेकिन और दूसरी बात जो मैं कहना हूँ, एक तो डर की बात कही और दूसरी बात कि अब कुछ लोगों ने सोचना शुरू कर दिया इंट्रो भाई सचमुच हम बड़ी ज़्यादती कर रहे थे, अब क्या है इतना तो नहीं ना, कोई लिमिट होनी चाहिए
जर्नलिस्टों की भी एक लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए। अब यही ये लोग नहीं करते कुछ से, तो इसलिए ये भी एक शुरू हो गया आपस में, और फिर बट गए, मतलब जर्नलिस्ट बट गए, प्रो इमरजेंसी एंटी इमरजेंसी कुछ वैसे ही। लेकिन तो और कई डिफेंड कर रहे थे, क्योंकि मिसेस गांधी को भी डिफेंड करना था, इमरजेंसी को भी, कि जी ये चीज़ें बहुत हद से गुजर रही थी। तो मेरा कहने का मतलब है कि भाई ये मैं बात ख़त्म करना चाहता हूँ कि एक तो डर बढ़ता था, दूसरा सचमुच लोगों ने शुरू कर दिया कि हाँ कुछ हमारे में नुक्स है, तभी तो ये बात हुई है। अब अपने आप को भी ब्लेम करना शुरू कर दिया। तो कल का जो हिंदुस्तान हम सोच रहे हैं, उसमें एक तो ये होना चाहिए कि भाई कुछ आवाज़ें तो हों। आज जब मैं देखता हूँ कि सारी चीज़ पॉलिटिसाइज हो रही है, कोई चीज़ हो, और पॉलिटिसाइज ही नहीं बल्कि हिंदुटाइज हो रही है, हिंदुटाइज, तो कोई बात ही नहीं करता, बोलता ही नहीं, कोई सोचता है, कोई ठीक है, कोई लिखता नहीं, बहुत कम लिखते हैं, अगर कोई लिखता है, लेकिन इसके खिलाफ कोई नहीं लिखता, डरते हैं लोग। तो इसलिए जर्नलिस्टों से और दूसरों से मुझे यही कहना है कि इस देश में एक प्रजातंत्र है, एक वोट एक आदमी। तो अगर हम अपने वोटों का उपयोग नहीं और सोच नहीं रहे कि भाई एक प्रजातंत्र में क्या होता है, आवाज़ उठानी चाहिए वहाँ, तो फिर तो इस तरह तो आहिस्ता आहिस्ता हम एक ऐसी ना भी इमरजेंसी लगे, लेकिन एक ऐसी सोच है, एक ऐसा एटमॉस्फेयर बन जाएगा जो कि बिल्कुल एक इमरजेंसी की तरह है। तो वो आज मुझे लगता है कि हो रहा है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता लोगों का दिमाग इमरजेंसी ही नहीं बल्कि कम्यूनल सा हो रहा है, और यही सोचना शुरू कर दिया है कि भाई ये जो छोटे तादाद वाले हैं क्या सचमुच लॉयल हैं हमारे। अब बड़ी तादाद वालों की तो लॉयल्टी कभी क्वेश्चन नहीं करता, उनकी करता है। और फिर और क्योंकि ज़रा पाकिस्तान एक तकसीम में बना और मज़हब के बना पे बना, तो उसका भी असर ज़रूर है। वहाँ तो है ही नहीं वहाँ तो इस्लामिक स्टेट हो गया। लेकिन जब हमने आज़ादी के लिए लड़ाई भी लड़ रहे थे, तो पाकिस्तान तो उस वक्त डिमांड थी, लेकिन ये कहा था गांधी जी ने, पंडित नेहरू ने, कि हम जो देश उसारेंगे उसमें कोई मज़हब का भेद नहीं होगा, जात का भेद नहीं होगा, और अमीर गरीब का भेद कोई नहीं होगा। आज आप देख ही रहे हैं कि क्या हो रहा है। इसलिए मेरी आप लोगों से यही दरख्वास्त है कि एमरजेंसी का एक ही लेसन है, वो कि आप बोलने की ताकत रखिए, लोगों से डिफर करने की ताकत रखिए। अगर मेरे डिफरेंट व्यूज़ हैं तो मैं उनको वॉइस करूँ, चुप ना हो जाऊँ, क्योंकि भाई हाँ क्या पता क्या हो जा, कोई रिपरकशन की जो भी हो, क्योंकि डेमोक्रेसी में राज प्रजा का होता है। अगर प्रजा ही ऐसे ही अपने आप को दे गई तो फिर क्या है। तो आज मेरी आपसे यही बेनती है कि आप एक तो अपना दिल टटोलिए, किस चीज़ में सोचते हैं, क्या सचमुच आप अपने आप को एक ऐसा देश का बासी समझते हैं जिसमें कि हिंदू और मुस्लिम के नाम पे कोई फ़र्क नहीं है, हम सब हिंदुस्तानी हैं, और हमें इसका फ़ख्र, हमें फ़ख्र है कि मैं हिंदू और मुसलमान भी हूँ, पर मुझसे सबसे बड़ा फ़ख्र है कि हम हिंदुस्तानी हैं। तो इसलिए आपको ये सोचना चाहिए और इसी को सोच को लेके आगे बढ़िए, ताकि जो कल के जो नौजवान हैं इनको हो कि यहाँ पे एक ऐसा देश है जो शुमाल से लेके जनूब, नॉर्थ से नॉर्थ से लेके, जिसमें कश्मीर भी शामिल है, तो उसमें ऐसी बातें जिसमें कि हम जात पे बट जाएं, मज़हब पे बट जाएं, ये प्रजातंत्र के ख़िलाफ़ है, और आप सब लोगों को खिलाफ उठाने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। Warm welcome to It's My Life, the program that brings you face to face with country's top politicians. You know, I've been flying for a very long time. It's a passion of mine. Agar main bolu mithai, Karachi halwa, comedian,
जाने वहाँ तक। ये मेरी जो भाभियाँ हैं ये प्रसन्न रहेंगी तो मुझे ठीक से खिलाएंगी, तो इसलिए मैं तो अपनी सारी भाभियों की जमचागिरी करती हूँ। मैं तो चला जिधर चले रास्ता। You can't be a successful MP without your wife, huh? I can't be successful anything without my wife. शॉर्टकट में सबको खुश करने के लिए चल धन्नो, आज तेरी इज्जत का सवाल है। See, whenever you play golf, you forget about anything. Huh? You forget even your own wife also. Most handsome MP in Parliament. Manoj Tiwari. Watch It's My Life at these times only on Rajya Sabha Television. From coins to metal pieces, Indian currency has seen many changes. The earliest punch-marked coins came from Gandhar. The East India Company, at the turn of the 19th century, also minted its own coins. The Indo-Greek coins come from a colony left behind by Alexander. They depict the golden rule of the Guptas. With embossed human portraits and matrimonial alliances, like Chandragupta Maurya's wedding with Seleucus I Nicator's daughter. आज की सभा के अगले वक्ता के तौर पर मैं श्री गौतम नवलखा जी से दरख्वास्त करूंगा कि वो अपने यहाँ आएँ और बात रखें। हिंदुस्तान के ह्यूमन राइट मूवमेंट के कुछ जो एकदम आगे की कतार में खड़े हुए जो साथी हैं, गौतम उसमें से हैं और PUDR के साथ शुरुआती तौर से जुड़े हैं। सभा और मंच पर उपस्थित साथियों को सलाम और जन हस्तक्षेप का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं सबसे पहले मैं शुरू करना चाहता हूँ, हिंदुस्तान बड़ा अद्भुत जगह है। हमें हमारी याददाश्त कुछ चीज़ों के लिए बड़ी अच्छी रहती हैं, हम हर एक चीज़ याद रखते हैं। लोग तो 1600 साल का इतिहास भी याद रखे हुए हैं और उसका इंतकाम लेना चाहते हैं, लेकिन अभी हाल में जो अपने ऊपर गुजरा है उसको बड़ी आसानी से भूल जाते हैं। तो हिंदुस्तान अलग है, अद्भुत चीज़ है। हिंदुस्तान की जो अद्भुत चीज़ है उसमें सबसे पहले मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण देता हूँ, आंध्र प्रदेश का है, जहाँ की एक ऑर्डिनेंस नया पास हुआ है जिसके ऊपर चुप्पी है। वो ऑर्डिनेंस बड़ा अजीब और गरीब है। उस ऑर्डिनेंस में ये कहा गया है कि जो टेंपल और मठ हैं उसकी ज़मीन किसी गैर हिंदू को नहीं दी जा सकती है फार्मिंग के लिए। और अब हमारा जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और जो पुलिस है वहाँ से जो दलित हैं जिनको कि दशकों से जो उस पर खेती करते आ रहे हैं और जो ऑक्शन में उनको जो ज़मीन मिल जाया करती थी टेंपल और मठों की, अब उससे उसको हटा दिया गया है। आप बोलेंगे कि इसमें क्या, अब तो इसका भी हिंदुत्वाइजेशन हो रहा है, लेकिन हम यहाँ तक पहुँच गए हैं और उसकी हमें खबर नहीं है। मुझे लगता है कि सबसे चौंकाने वाली बात है, इमरजेंसी को तो ठीक है भैया, 41 साल हो गए, कोई भूल भी जाए तो हम जो युवा हैं उनको ब्लेम नहीं कर सकते हैं कि उन्होंने देखा नहीं, 1984 भी नहीं देखा, मैं हम समझ सकते हैं, बाबरी मस्जिद को ढाना भी शायद नहीं देखा होगा वगैरह वगैरह, लेकिन ये तो अभी अभी हाल की घटना है जिससे भी हम परिचित नहीं। मिडिल क्लास एक्टिविस्ट, मिडिल क्लास लॉयर्स, मिडिल क्लास प्रेस पर्सन चले गए, लेकिन वो बेचारे जो आदिवासी हैं जो पिस रहे हैं जेलों में, जिन्हें सालों साल भरा हुआ है, भीड़ भड़क के में रखा गया है और जिनकी आत्मा को कुचलने की कोशिश की जा रही है, उसके बारे में किसी ने सोचा है? जिनका सालों से दशकों से दमन चल रहा है, शोषण हो रहा है, आज भी सोचा है हमने कि आज भी वो हमारा मुद्दा है? कि आज भी हम सोचते हैं कि फॉरेस्ट राइट्स का जो मुद्दा है, फॉरेस्ट के लिए जो लेकर आदिवासी लड़ रहे हैं अपने जंगल जमीन से, वो असली मुद्दा है इस जंग के पीछे?
वो हासिल करना है, वही हासिल करना है। मिशन 216 का मतलब क्या होता है कि 2016 में माओवादियों को ख़त्म कर दें, बड़ी अच्छी बात है, अगर कर दें तो चलिए देख लेंगे, वो भी हमने, क्योंकि कई बार हमने विगत में भी बहुत बार सुना था कि अब अंत हो जाएगा, वो भी हम देख लेंगे, लेकिन क्या मुद्दा उससे सुलट जाएगा? क्या वही असली मुद्दा है? जी नहीं, असली मुद्दा है जमीन, जल, जंगल, जमीन हड़पने का। अरे सारंडा को देखो, सारंडा से माओवादियों को हटाया, कौन पूछे, कौन पहुंचे? 19 कैंप लगे सीआरपीएफ के, और फिर किनको न्योता दिया गया? माइनिंग इंडस्ट्रीज को। और लोग जो असली, जो मेहनतकश हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं है। कश्मीर का मुद्दा देखिए, कश्मीर में अभी पिछले दिनों क्या क्या चीजें हुई लैंड को लेकर। हम सोचते होंगे यार ये कश्मीरी तो एकदम ही गए भिगे लोग हैं, इनको अकल ही नहीं है, ये जमीन को लेकर लड़ रहे हैं। पूरा हिंदुस्तान में लड़ाई लड़ रही जा रही है, वो हमको हम उसको मानते हैं, स्वीकारते हैं और दिलो जान से। कश्मीर में हो जाए तो हमको एकदम से अपनी नानी याद आने लगती है कि ये क्या कर रहे हैं यार ये कश्मीरी। चाहे वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो, माइनिंग पॉलिसी हो, सैनिक कॉलोनी बनाने का मामला हो, 370 की तो उन्होंने बैंड बजा के रखी हुई है। और केवल 370 की क्यों? मैं आपको नागालैंड का उदाहरण दे दूं, ये यूपीए के जमाने का है, 371A के तहत नागालैंड का जो सेटलमेंट हुआ, उसमें जो लैंड, जो जमीन के नीचे जो रिसोर्सेज हैं, उस पर अधिकार दिया नागा लोगों को, ठीक है, ये 371A है। लेकिन हमारी जो ये जो सत्ता वर्ग है ना, इसके पास 10 तिकड़म होते हैं उन्हीं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को नकारने का। तो ब्यूरोक्रेसी ने कह दिया कि ये जो किया है वो गलत है, क्योंकि सरकार का, हिंदुस्तान सरकार का तो 6 इंच के नीचे की जमीन पर पूरा अधिकार है, उसके नीचे जो भी है, तो हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। लिहाजा ऑयल इंडिया और ONGC के जो टेंडर्स उन्होंने इशू कर दिए जी, और इनवाइट किए उन्होंने, टेंडर्स इशू करके लोगों से इनवाइट किए कि टेंडर्स पर आप, उन्हें परवाह नहीं हुई कि उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया था नागालैंड का 1961 में, 371A कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रावधान है तभी बना, और जिसमें स्पष्ट रूप से इंकित है कि रिसोर्सेस पर, जमीन के नीचे दबी रिसोर्सेस पर नागालैंड का अधिकार है। लेकिन हमारी पुरजोर कोशिश है कि उसको भी निगेट किया जा सके और हिंदुस्तान के कब्जे में आ जाए वो रिसोर्सेस। तो ये बड़ी अजीब बात, ये बड़ी अजीब बात है, कहने को बहुत कुछ है, वक्त कम है, मैं बस ये कहकर ख़त्म करना चाहता हूँ कि किसी भी चीज़ को परखते वक्त उसके इतिहास को भी देख लें, और ये ना समझे कि अभी सबसे पहले हो रहा है, इसके पहले बहुत कुछ हो चुका है, पृष्ठभूमि बड़ी तैयार की गई है। आज अगर हमें सबसे बड़ी चिंता है और सबसे बड़ी हमारी चुनौती है कि कोई कुछ भी कहे, एक मामूली चीज, सिविल लिबर्टीज, एमरजेंसी का सबसे बड़ा प्रकोप किस पर पड़ा था और किसके कारण लोग चुप हो गए थे, खामोश कर दिए गए थे, सिविल लिबर्टीज वापस ले ली थी ना लोगों की, उसको एब्रोगेट कर दिया गया था ना, इन इफेक्ट सिविल लिबर्टीज कि आपके बोलने की, लिखने की, बात करने की, एसोसिएशन बना के लड़ने की, प्रोटेस्ट की, धरना प्रदर्शन की, जितनी भी आज़ादियां हैं हमारी बड़ी मौलिक, जो कि हम करते रहते हो, जिसके इस्तेमाल करे बगैर हम लोग इधर भी नहीं उपस्थित हो सकते, केवल हॉल मीटिंग तक सम्मिलित नहीं है। सिविल लिबर्टीज का मामला, इमरजेंसी की जो चीज़ हमें याद दिलानी चाहिए और बार बार हमें दिलानी चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, सिविल लिबर्टीज़ के लिए, खास करके क्योंकि जन हस्तक्षेप का भी मंच है, लिहाजा सिविल लिबर्टीज़ कोई भी हो, आज कोई भी विपक्ष में हो, मुझे उन पर भरोसा नहीं है कि वो सिविल लिबर्टीज़, उन्हें दिलाना पड़ेगा हम लोगों को भरोसा कि वो वाकई सिविल लिबर्टीज़ में विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं और वो चेंजेस करेंगे, नहीं तो मुझे कोई भरोसा नहीं है इन लोगों को। हमें अकेले लड़ना पड़ेगा, हम लोगों को अकेले मिलजुल कर, अपने लोगों को मिलजुल कर आवाज़ उठानी पड़ेगी सिविल लिबर्टीज़ की रक्षा के लिए, क्योंकि बगैर इन
मौलिक अधिकारों के, हम जो छोटी मोटी बात भी करना चाहते हैं, एक सिलसिला शुरू भी करना चाहते हैं, कुछ बात आगे रखना भी चाहते हैं, वो भी अगर हमसे छीन ली जाए तो आप समझ सकते हैं कि हमारी स्थिति कितनी बदतर बन जाएगी और हमारे लिए कितने बड़े खतरे खड़े हो जाएंगे। लिहाजा आज के दिन हमें दोबारा अपने आप को याद दिलाना पड़ेगा कि इमरजेंसी में जो सबसे बड़ी चीज़ हमने खोई थी वो थी अपनी आज़ादियाँ। अपनी आज़ादियाँ हमने खोई थी, उसी आज़ादियों को याद रखो, उन आज़ादियों को याद रखो और उनके लिए लड़ने के लिए हमें प्रतिबद्ध होना पड़ेगा। उसके अलावा हमारे लिए कोई रास्ता नहीं है, नहीं तो हम हर साल मिलते रहेंगे और हर साल अफसोस मनाते रहेंगे और मातम मनाते रहेंगे। आज वक्त आ गया है कि अगर लड़ना है, और लड़े बगैर कुछ हासिल नहीं होता है ज़िंदगी में, लिहाजा उन आज़ादियों को कि लड़ने के लिए हमें एकजुट होने की ज़रूरत है। वही हमें आगे तक ले जाएगा, वही इन चुनौतियों से हमें सामना करने की कुछ हिम्मत भी देगा, कुछ हमें एक जगह भी हमारे लिए बन पाएगी। आपने मेरी बात सुनी, मैं उसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। धन्यवाद।